भारत ने नेपाल को एक ऐसा झटका दिया है जिससे नेपाल आने वाले कई सालों तक भूल नहीं पाएगा। नेपाल के साथ हो यह रहा है कि नेपाल जैसे जैसे चीन के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस मजबूत करने में लगा हुआ है, वैसे वैसे भारत ने नेपाल के लिए मुश्किलें बढ़ाना शुरू कर दिया है और भारत नेपाल को ऐसी जगह पर चोट पहुंचा रहा है जहां नेपाल को सबसे तगड़ा नुकसान पहुंच रहा है। हाल ही में नेपाल ने भारत के बजाय चीन से फर्टिलाइजर्स की खरीद शुरू कर दी है और ऐसे ही कई सारे प्रोडक्ट्स जो पहले नेपाल केवल भारत से खरीदता था, नेपाल ने चीन को ऑर्डर देने शुरू कर दिए हैं। नेपाल का मानना यह है कि अपनी सप्लाई के लिए अकेले भारत में निर्भर रहना सही नहीं है और इसी वजह से नेपाल अपनी सप्लाई को कन्वर्ट करने में लगा हुआ है। लेकिन नेपाल का यह मानना एकदम सही है और भारत के साथ दुनिया का हर एक देश ऐसा ही करता है। फिर भी ये जानते हुए कि चीन भारत के लिए काफी बड़ा खतरा है, नेपाल चीन की रेलवे लाइन को भारत के बॉर्डर के पास तक लाना चाहता है। नेपाल के इन्हीं कुछ कदमों की वजह से अब भारत भी नेपाल को जमकर सबक सिखाने के मूड में आ चुका है। आज जो खबर आपको हम बताने वाले हैं, इसकी वजह से नेपाल की सीमेंट इंडस्ट्री को भारत की वजह से हर दिन करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले, भारत जिस तरह से नेपाल को सबक सिखा रहा है उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेन खबर ये है कि नेपाल से आ रहे सीमेंट पर भारत रोक लगा चुका है, लेकिन ये रोक ऑफिशियली नहीं लगाई गई है, बल्कि हो ये रहा है कि नेपाली मैन्युफैक्चरर्स को IAS यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड की सर्टिफिकेट्स को भारतीय सरकार की तरफ से इशू नहीं किया जा रहा। भारत के इस रवैये से परेशान नेपाली सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी सरकार से इसकी गुहार लगाई है, लेकिन इस बार भारतीय सरकार चुप होकर यह सब देख रही है। भारत जानता है कि नेपाल भारतीय मार्केट पर किस हद तक डिपेंडेंट है, इसके बावजूद नेपाल भारत को छोड़कर चीन की गोद में जा बैठे हैं। साल 2023 में नेपाल ऑलरेडी भारत को करीबन 1 मिलियन टन सीमेंट एक्सपोर्ट कर चुका है, जिसकी कुल कीमत 360 मिलियन रुपए के आसपास थी। जानकारों का यह भी मानना है कि सरकार ने सर्टिफिकेट शायद इसलिए भी इशू करना बंद कर दिया है क्योंकि नेपाली सीमेंट की वजह से भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को दिक्कतें आ रही हैं। अब वजह चाहे जो भी हो, पर इसका बड़ा नुकसान आखिर में नेपाल को ही झेलना पड़ रहा है। इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट का कहना है कि नेपाल 150 बिलियन रुपए का सीमेंट एक्सपोर्ट करने का पोटेंशियल रखता है और अगर भारत अपने दरवाजे पूरी तरह से नेपाली मैन्युफैक्चरर्स के लिए खोल दे तो नेपाल भारतीय कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से एक काफी बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। नेपाल के कुल एक्सपोर्ट में फिलहाल बिजली की यानी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट का काफी बड़ा हिस्सा है। कमाल की बात यह है कि भारत ही अकेला नेपाली बिजली का खरीदार है और हाल ही में भारत ने नेपाल और बांग्लादेश के बीच बिजली के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को परमिशन दे दी है। अब नेपाली सरकार ने अपने मैन्युफैक्चरर्स को यह आश्वासन दिलाया है कि इस मुद्दे को बायलैटरल मीटिंग में भारत के साथ उठाया जाएगा। हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि नेपाल में चाइनीज कंस्ट्रक्शन में भी भारत ने कुछ इसी तरह की रुकावटें खड़ी की थीं।